हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशु टॉक्स। गाइस आज की इस वीडियो में 2022 बैच के लिए बहुत ही सारी जॉब रोल अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ। पहले जॉब रोल अपॉर्चुनिटी आ जाती है केपिट कंपनी की तरफ से एंड सेकंड जॉब रोल अपॉर्चुनिटी आ जाती है एटॉस सिंगल कंपनी की तरफ से। तो दोनों ही काफी अच्छी कंपनी है जहां पर आपको बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज एंड सभी डिटेल्स देखने मिल जाती है। तो सभी चीज हम जो है आगे की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, किस तरह से आपको जॉब में अप्लाई करना है, गाइस सभी चीजें डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो भी 2022 बैच से बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो पहली जॉब रोल अपॉर्चुनिटी केपिट कंपनी की तरफ से आ जाती है, फ्रेशर्स हायरिंग ड्राइव फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स 2022 बैच। ओके सो 2022 बैच के लिए दोनों जॉब रोल अपॉर्चुनिटी होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस आपको ओवरव्यू देखने मिल जाता है, यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात कर ली जाए तो रजिस्ट्रेशन भी किस तरह से करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको टेस्ट स्ट्रक्चर देखने मिल जाता है, थ्री स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होने वाला है। डे वन हो जाता है 30 अक्टूबर को, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। आज की 25 अक्टूबर है, 26 अक्टूबर है, तो 30 अक्टूबर को आपका यहाँ पे होने वाला है। फिर डे टू आ जाता है 3 नवंबर को, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होते हैं वो डे टू के लिए जाते हैं। सिलेबस भी प्रोवाइड किया गया है, इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड किया गया है, की टेक अवेज भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एंड जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर लीजिए गाइस। ऑटोनोमस ड्राइविंग, कनेक्टेड व्हीकल्स मोबिलिटी, पावर ट्रेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्लासिक एंड अडेप्टिव ऑटोस आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन फॉर मोबिलिटी, ये डिफरेंट डोमेन्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। साथ साथ आपको देखने मिल जाता है डिजाइन और अंडरस्टैंड अल्गोरिदम कॉन्सेप्ट एंड मैथमेटिकल मॉडल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोग्रामिंग इन सी, सी प्लस प्लस, मैटलैब, पाइथन, इन सभी चीजों का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, हार्डवेयर इन द लूप टेस्टिंग, ये सभी चीजों का आपके पास होना चाहिए नॉलेज। ओके साथ आप देख सकते हो 4 LP का यहाँ पे आपको पैकेज देखने मिल जाता है एंड 2 ईयर्स का बॉन्ड यहाँ पे होने वाला है आप सभी के लिए। यहाँ पे देख सकते हो अदर बेनिफिट्स में भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने मिल जाते हैं। एलिजिबल ब्रांचेस की बात कर ली जाए, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, EEE, EEE, ETC, ENCE, ECE एंड IE। ओके तो ये सभी ब्रांचेस एलिजिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने मिल जाता है, 10th में एंड 12th में आपके 70% होने चाहिए गाइस एंड बीटेक में आपके 60% होने चाहिए। तो यही आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने मिल जाता है एंड 2022 पास आउट बैच के लिए ही ये जॉब रोल अपॉर्चुनिटी होने वाली है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड बाकी सभी डिटेल्स आपको देखने मिल जाती है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाता है, ये पेज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है, सभी डिटेल्स ऐड करना है एंड आपको इस जॉब रोल अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर देना है गाइस। ओके सो जो भी यहाँ पे चीजें मेंशन की गई है वो सभी चीजें आपको फिलअप कर देना है। अब सेकंड जॉब रोल अपॉर्चुनिटी आ जाती है एटॉस सिंगल कंपनी की तरफ से। जैसे कि आप देख सकते हो 2022 फुल टाइम ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब रोल अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बी बीटेक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं एंड एमसीए कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच से। यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है 60% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप सभी के लिए। कोई भी एक्टिव बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए, एजुकेशनल ब्रेक नहीं होना चाहिए आप सभी का और ऑनलाइन ड्राइव होने वाली आप सभी के लिए। देख सकते हो गुड रिटन एंड वर्बल इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल टू वर्क इन शिफ्ट्स, जॉब लोकेशन आपको मुंबई, पुणे, चेन्नई, इस तरह से मल्टीपल लोकेशन देखने मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस पेज पे जाना है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आपको टिक करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म अपियर हो जाता है। ये एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है गाइस एंड सभी चीजें ऐड करके आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। इस तरह से आप इस जॉब रोल अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल दी एंड।